फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली में। आज हमारे साथ एक और नए फ्रेंचाइजी ऐड हुए हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था। और उन फ्रेंचाइजी का नाम जो है वो एक ऐसा नाम है जो अपने आप में आप बड़ा एक्साइट हो जाएंगे नाम सुनकर, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया। तो इनका नाम है बजरंगी जी। बजरंगी जी मधु विहार से आए हैं जो कि द्वारिका के पास ही है। और मैं चाहूंगा कि बजरंगी जी आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आप पहले क्या करते थे, मतलब क्या आपका बैकग्राउंड है, तो सभी व्यूअर्स को बताइए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी राम मधु विहार द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली से। मैं सब इससे पहले जो है कि कस्टम क्लियरेंस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहाँ पे कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब 15 साल निकाला है वहाँ पे। कोरोना काल में मेरी जॉब छूट गई थी, उसकी वजह से अभी एक ही कंपनी में थे आप? एक ही कंपनी में मैंने जॉब की है सर, 15 साल किया है वहाँ पे। और टेक्सचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किस पोस्ट पे थे वहाँ पे? मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था वहाँ पे। क्या तनखा थी वहाँ पे? 45,000 के आसपास। तो 45,000 तनखा, कब मतलब ये कब जॉब छूटी है? मेरी जॉब छोड़ गई थी ये 2020, मतलब जब कोरोना काल था उसी के आसपास। उस दौरान से फिर कैसे काम चला? उसके बाद तो मैं इधर उधर मतलब बहुत कुछ कोशिश किया बट जॉब कहीं नहीं मिली। एक दोस्त थे, उन्होंने कुछ टाइम मेरे को जो है कि रखा 5-6 महीने। वहाँ भी उनके कुछ लिकर वगैरह के काम थे, तो वहाँ भी फिर जब सेकेंड वेव आई तो वहाँ भी कुछ वैसे प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ भी छूट गई जॉब। मतलब फ्लक्चुएशन रही। फिर मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, फैमिली भी है मेरे साथ में। बच्चे कितने? बच्चा एक ही है सर। अच्छा, और आप वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं यूपी से गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर ये बनारस के पूर्वांचल में, बनारस के पास डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़ा गर्म है इलेक्शन। हाँ, माहौल तो बहुत गर्म है सर। और गठबंधन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी 100% जीतेगी। जैसा आपका नाम है जी, जी मैंने बोला की पीएम वाले को बजरंगी की जरूरत थी, तो बजरंगी जी रह गए थे, बजरंगी जी और आ गए। तो बजरंगी जी ये बताइए, आप कब से वीडियो देख रहे थे, मतलब कब से पीएम वाणी आपकी, मतलब जो ये वाईफाई क्रांति का पता कब चला? मेरे को पीछे 2-3 महीने लमसम हो गया। आशीष अग्रवाल का आपके साथ एक वीडियो था, फ्रेंचाइज बना, वो पहले उसमें तो मैं काफी टाइम वो देख रहा था मैं, आई थिंक अगस्त से नवंबर की बात है। हाँ, उसी के आसपास मैं देखा था, तो काफी मतलब मेरे को अच्छा लगा है। मैं सोचा जरूर एक बार थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मिलूंगा। तो घरेलू कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरे फादर की कुछ तबीयत खराब थी, आंखों में उनकी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कराना था, उसकी वजह से मैं ये क्यों चुना बिजनेस आपने? आपने और कोई दायरा कुछ नहीं सीधा है? हाँ, मेरे को थोड़ा ये अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे ऑफिस वर्क या बहुत सारी ऑफिस की जरूरत बहुत बड़े एरिया में चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपने टेक्नोलॉजी का काम पहले किया? टेक्नोलॉजी का काम वैसे तो नहीं किया है बट मेरे को थोड़ा बहुत जैसे कस्टम क्लियरेंस में बहुत सारी कंपनियों को हमने हैंडल किया, जो आईटी कंपनियां हैं एज लाइक जैसे विप्रो हो गई, जेनपेक्ट हो गई, तो बहुत सारी इक्विपमेंट वगैरह आते थे, लैपटॉप वगैरह, डाउटर वगैरह, कहीं ना कहीं टच रहा है ये सब चीजें, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज थी उसके बारे में। नहीं तो क्या आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आप कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो है बट ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है जो हमने दिल्ली एनसीआर के लिए स्कीम निकाली है स्पेशली, जिसमें गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी आपको देखा होगा, ये हमारे फौजी भाई है वो भी यहीं ऑपरेट कर रहे हैं। तो ही डिसाइडेड कि मैं फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग पहले यहीं से करूँ और यहाँ से मैं एक पौधा रेडी करके और उस पौधे को उठा के रेडीमेड अपने यहाँ जाके लगाऊँ। कहने का मतलब यहाँ पर एक बेस रेडी करेंगे और बेस रेडी करके इसी ऑफिस में ऑपरेट करेंगे हमारे ऑफिस ही। और यहाँ टीम कैसी लगी आपको? टीम बहुत अच्छी है सर। अच्छा, पहले मतलब जो आप जो अभी तक आपने देखा था वैसा, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब जो आपने देखा और जो आपने यहाँ पाया उसमें कितना फर्क है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया हूँ, लेकिन देख करके लोगों का जो भी है किसी से कोई, और भी तो वीडियो चल रही है। नहीं, वीडियो तो बहुत सारे मैंने देखा है, मैं अच्छी जो भी है मैं वीडियो देखता रहता हूँ आपकी, तो अच्छी लगी मेरे को, काफी जानकारियां भी धीरे धीरे मैं उससे जो है कि मिली है मेरे को कि कैसे कनेक्ट करते हैं क्या क्या, बट एक बिजनेस मॉडल जो एक आदमी को जो चीजें जैसे कैसे करनी है वो चीजें समझनी जरूरी होती है डीपली जा करके, वो जो लोग कर रहे हैं उन्हीं से कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो और अच्छी तरह से कर पाएगा उस चीज को। तो अभी जीवन यापन क्या चल रहा है? जीवन यापन कुछ सर, पीएफओ के पैसे कुछ बचे हुए थे, तो पीएफओ तो काफी कुछ हो
वही मतलब 14-15 साल जॉब किया था तो कुछ पीएम हो गए थे, 6-7-8 लाख रुपए कुछ पड़े हुए थे, तो उसी से अपना गुजारा। मतलब आप अब आज फुली 100% फुल टाइम पीएम वाली और वाईफाई का? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम फुली 100% मैं अब इसी में लग जाऊंगा। और मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल तक मैंने कोशिश की है कि इसको ले जाऊं। कल से आपसे बिजी आदमी कोई नहीं होगा, इवन कल से ही आप पूरा पीएम वाली पूरी इंडिया को बेचेंगे। ये आप सुबह आएंगे तो आपको ग्राहक की कॉल और आपको डाटाबेस आपको मिलेगा जो ऑलरेडी पीएम वाली खरीदना चाहते हैं पूरे इंडिया। जी जी सर, और इस बार आपको पूरे इंडिया में इंडिया लेवल पे खिलाएंगे, एक गली मोहल्ला छोड़ के इस बार आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बात करते आसाम को भी बेचेंगे, आप गुजरात को भी बेचेंगे, हिमाचल को भी बेचेंगे, केरल को भी बेचेंगे और यही बैठे बेचेंगे। जो आपने बात की है कि आज सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला है कि आज खरीदो कल से बेचो और पीएम वाली से ही पैसे कमा के फिर अपने आप में जाके लगाओ। ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अभी इस टाइम 130 करोड़ लोग हैं पूरे इंडिया में जो इंटरनेट यूजर है जी जी। और वो उसमें से अगर 3 करोड़ लोग भी आज इंटरनेट सेलर बने बनेंगे तो वो उनमें से कुछ हजारों लोग भी आपके थ्रू पीएम वाली क्यों ना ले जी जी। और उससे आप पैसे क्यों ना कमाए। बिल्कुल। और जब आप रेडीमेड ग्राहक दे रहे हैं, रेडीमेड ग्राहक का मतलब हो गया कि डायरेक्टली पैसा दे रहे जी। जब ग्राहक ही मिल गया आपको, नंबर ही मिल गया कि इसको चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। इसमें फ्लैट 10% बेसिकली आज की डेट में ग्राहक भी हम देंगे, 10% सेल पे भी देंगे। चाहे फ्रेंचाइजी बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, मास्टर फ्रेंचाइजी बनाइए। 19,101 पिन कोड है आपके पास, ये मान लीजिए 19,101 एमएलए की टिकट है आपके पास, 748 एमपी की टिकट है और आपके पास सीएनएफ 30 स्टेट है, 28+2 यूटी जी जी जी, आपको 30 सीएम और लिमिटेड इन्वेंटरी है। वाईफाई ऑपरेटर के लिए जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है, जो मैंने बोला कन्वेंशनल प्लान, मतलब हम लोग आज की डेट में रीसेलर बना रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बेचना चाह रहे, इनडायरेक्टली हम लोग बेसिकली पिन कोड, जैसे आपने पिन कोड लिया अपना, एक तरह से एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी रहे। जी जी। सबसे बड़ी बात यही अच्छी लगी आपको कि भाई एक पिन कोड पे 2 आदमी नहीं नहीं बिल्कुल, और एवरेज एक पिन कोड पे 1 लाख आदमी है, एक पिन कोड पे 1 लाख आदमी जनसंख्या 70,000 से लेके 1 लाख, ये गूगल बोल रहा है कि एक पिन कोड पे 70,000 से 1 लाख आदमी। बिल्कुल 100% सर, मैं तो ये कहता हूँ कल आज आपने ले ली तो ये पिन कोड तो ब्लॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और कल इसी पिन कोड पर दूसरा दिन मांगने आ जाए हमसे तो क्या इस पे प्रीमियम चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो क्या आप कल इसे प्रीमियम भी भेज दें। तो बेसिकली जो आज जो हमने बात की है कि ये जो चीजें हम समझा रहे हैं, हो सकता है किसी को समझ में आ रही हो, सकता है ना भी आ रही हो, जो कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको सबको समझ आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 या 15 दिन से जो हमने ट्रेंड चेंज किया है कि आज मेरे को कल से बेचो, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो लोग रिचार्ज पे लगे हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप रिचार्ज पे लगे रहिए, बट हम लोगों ने फोकस अपना पूरा पीएमआरई को बेचने पर लगा रखा है और हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी पूरे इंडिया को पीएमआरई बेचने में लगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई और बजरंगी जी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बजरंगी जी आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक सक्सेसफुल वाईफाई ऑपरेटर बनके आप एक एग्जांपल क्रिएट करें सबके सामने, और वो एग्जांपल जो हो उसको देख के 4 और वाईफाई ऑपरेटर बने। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।